नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर यदि आप डीएसए का काम करते हैं या कनेक्टर का काम करते हैं तो आप किस तरीके से पर्सनल लोन में सफलता पा सकते हैं। या तो आप हमारे हमारे कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए, या आप कहीं और भी काम करते हैं किसी और कंपनी में, तो भी आपके लिए ये वीडियो बड़ा यूजफुल होने वाला है। आज मैं सिर्फ बात करूंगा पर्सनल लोन की, कि पर्सनल लोन की लीड्स कैसे सोर्स करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है ताकि हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा हो फाइल लॉगिन और डिसबर्समेंट का। सबसे पहले मैं बात बता दूं आखिर ये मैंने क्यों बनाया। देखो, पिछले 4-5 महीनों में मैंने करीब 1000 से ज्यादा पर्सनल लोन की फाइलें मुझे मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेशियो है उनका अच्छी फाइलों का वो बहुत कम था। तो मैंने ये वीडियो बनाया, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट आएगा कस्टमर से बात करने का। आपका फोकस हो जाएगा कि आपको क्या टारगेट करना है, आपका टाइम भी बचेगा। टाइम ऐसे बचेगा तब आपको पूरा पता है कि भाई पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कस्टमर को कैसे टारगेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप आपको पता चल जाएगा ये कस्टमर का लोन हो सकता है या नहीं हो सकता। जिनका नहीं हो सकता उनसे आपका टाइम बच जाएगा। अब देखिए, मैं पर्सनल लोन शुरू करने के पहले मैं बता दूं, आपको 3 टेस्ट करने हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अगर ये तीनों टेस्ट वो व्यक्ति पास कर लेता है और वो उसकी फाइल आपके पास आ जाती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 90% चांसेस है कि उसका लोन हो जाएगा। जनरली लोगों का 1-10 फाइल में से 1-2 लोन होते हैं, लेकिन अगर आप ये तीनों टेस्ट कर लोगे उसके ऊपर, एक एक करके आप गौर से देखिएगा। सबसे पहला टेस्ट सिविल का, सिविल उसकी 700 के ऊपर होनी चाहिए। कस्टमर कह रहा है कि उसकी है, लेकिन फिर भी आप कई सारी ऐसी वेबसाइट है जहां फ्री में सिविल चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसके मैंने 3-4 वेबसाइटें बताई है जहां पर आपको फ्री में सिविल स्कोर चेक होगा। 700 के ऊपर है सिविल तो ही उसको कस्टमर को यस करिए, 700 के नीचे है उसको तुरंत मना कर दो, क्योंकि मेजर जो कस्टमर रुकते हैं वो सिविल स्कोर की वजह से रुकते हैं। अब दूसरा टेस्ट देखते हैं, दूसरा टेस्ट आता है सैलरी का। कस्टमर से पूछो भाई सैलरी कितनी है, कस्टमर कहता है 16,000 से ज्यादा सैलरी है मेरी, तो वो यस करो। दूसरा, सैलरी भाई कैश में तो नहीं मिलती ना, अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है ना, उससे पूछ लो, अगर कैश में मिलती है तो मना कर दो, क्योंकि कोई भी बैंक या NBFC एप्स कैश वाली सैलरी को कंसिडर नहीं करता। तीसरा भाई, बाकायदा सैलरी स्लिप मिलती है या नहीं मिलती, और सैलरी स्लिप मिलती है तो उसमें PF कटता है या नहीं कटता, EPF या PF कटता है या नहीं कटता। ये 3 चीजें को आपको सैलरी स्लिप के अंदर देखनी है। इन तीनों चीजों में से जो ना हो उसको मना कर दो, क्योंकि अगर यदि इन तीनों में से नहीं है तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि उसका लोन होगा, तो आपका भी टाइम बचेगा। अब तीसरा जो टेस्ट है वो है भाई, अगर मान के चलो उसकी सिविल भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, अब आप उससे पूछो भाई तेरे लोन कितने चल रहे हैं, लोन कितने चल रहे हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पता चला किसी की 50,000 सैलरी है लेकिन ऑलरेडी वो 30-35,000 रुपए की EMI दे रहा है, तो वो आपके काम का नहीं। जनरली क्या रहता है कि कोई भी व्यक्ति वो 50% तक अपनी सैलरी की कटौती करा सकता है EMI में, और 50% का पैसा उसको अपने परिवार घर वगैरह चलाने के लिए चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो किसी की 40,000 तनख्वाह है, तो बैंक या NBFC मानते हैं कि भाई वो 20,000 अपने महीने के कटा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कटाएगा। मान के चलिए कोई कस्टमर आता है जो कहता है भाई मेरी 40,000 तनख्वाह है, 10,000 रुपए मेरे होम लोन की EMI में जा रहे हैं, मुझे कितना लोन दिलाओगे। तो आपको बोलना है भाई साहब 10,000 आप ऑलरेडी दे रहे हो, तो आप जो EMI दे सकते हो पर्सनल लोन के लिए वो 10,000 ही दे सकते हो, तो 10,000 पे करीबन उसको 5 लाख का लोन मिलेगा। तो आपको बोलना है भाई साहब आपको 5 लाख के करीब का लोन मिल जाएगा, क्योंकि जनरली 1 लाख के पर्सनल लोन पे 2,000 या 2,100 के करीब की किस्त बनती है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों टेस्ट करने हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने तीनों टेस्ट कर लिए, टाइम बचेगा आपका, आप कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात करोगे ताकि कस्टमर को भी लगेगा यार मैं किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहा जो मुंह उठा के चला आया, किसी में ज्ञानवर्धक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। और मैं बाकायदा कह रहा हूं अगर ये तीनों टेस्ट जिसने पास कर लिए आप वो फाइल मुझे ला के दो, मैं 100% उसको सैंक्शन कराऊंगा आपके लिए। ये 3 सिंपल टेस्ट है
बिल्कुल इस वीडियो को चाहे बार बार देख लो, उनको जहन में डाल लो, ताकि आप किसी से बात करोगे तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंट लगेगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहे। ठीक है, हमने ज्ञान ले लिया भाई, अब हमें सोर्स भी तो करनी है ना, फाइल सोर्सिंग भी तो करनी है भाई, लोगों को बताना है कि भाई हम लोन दिलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसी को इस्तेमाल करो, कोई दूसरा नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को, फैमिली, सबसे पहली प्रायोरिटी वहीं पर करो, उन लोगों से सोर्सिंग करना शुरू करो, फिर उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग पे जाओ। क्योंकि महीने की एक दो फाइलें भी आप हमें सोर्स करके दोगे 10-20 लाख रुपए की, तो आराम से 20,000 रुपए महीने का आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1% कमीशन हम देते हैं। 10 लाख की फाइल पे 10,000 का कमीशन अगले दिन ही डिसबर्समेंट होने के बाद। और अब दूसरी, जब आप किसी कस्टमर को अप्रोच करें, कस्टमर बोलेगा भाई मैं तुमसे लोन क्यों लूं, मेरा तो बैंक दूसरा है, मैं तो वहीं से ले लूंगा, तो आपको अपनी अपनी यूएसपी भी बताना जरूरी है कि भाई हमारे अंदर क्यों चाहिए, क्यों लोगे आप हमसे। देखो, सबसे पहले लो इंटरेस्ट रेट, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको जितनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ ना, वो खुद या कोई और एजेंट उसको नहीं प्रोवाइड कर सकता। हमने लोगों को 10-10% पे लोन दिलवाए हैं। दूसरा, सारा प्रोसेस डिजिटली है, पूरा प्रोसेस डिजिटली है, कस्टमर को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, हर बैंक के साथ टाइप है, आपकी फाइल जहां सूट करेगी हम उसी बैंक में लगाएंगे। पिछले 5 साल से हमारा चैनल चल रहा है, लोग बाग जानते हैं, और हमारी जो कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो रजिस्टर्ड कंपनी है। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। एमसीए की वेबसाइट पे जाइए, कंपनी लॉस की वेबसाइट पे जाइए, आपको कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी मिल जाएगी, बाकायदा इंडिया में रजिस्टर्ड है ये कंपनी। तो ट्रस्ट की तो बात ही नहीं होती, और आज की डेट में हम काफी लोगों के लोन करा रहे हैं। अब बात करते हैं, वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पर्सनल लोन फाइल्स पे हम 1% कमीशन देते हैं आपको। सिर्फ हमारे कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आपको कनेक्ट होना है, उससे जुड़ जाना है। ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 9717550964, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें हम अप टू डेट देते रहते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लीड सोर्स कर पाए। तो फ्रेंड्स, पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, कोई भी बेईमानी वाला काम नहीं करना, कस्टमर को अननेसेसरी कमिटमेंट नहीं करने, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी है, किसी तरह का कोई कमीशन कस्टमर से नहीं लेना, ना हम लेते हैं बिल्कुल, तभी आपको सफलता मिलेगी और पैसे आप कमा पाओगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ हमसे जुड़ें और पैसे कमाएं लोन एजेंट बनके। थैंक यू फ्रेंड्स।